कुमार वर्मा, आज आपके लिए लेके आया हूँ सेल्फ प्रिपेयर्ड रीपर कम्बाइंडर मशीन। यह जो मशीन आपको दिख रही है, ये फसलों को काटने के साथ बांधने का भी काम करती है। छोटे किसान, मीडियम किसानों के लिए बहुत अच्छी मशीन है। इसमें 10 एचपी का एक डीजल इंजन लगा हुआ है और एयर कूल्ड इंजन है, साथ में 3000 आरपीएम पर यह काम करता है। और अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल जो मशीन का वेट है वो 400 केजी का वेट है। साथ में किसी फसल को जब ये काटता है तो कम से कम 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ये काटेगा, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई से ये क्रॉप को काटने का काम करेगा। और जिन फसलों की ऊंचाई लगभग 85 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक होगी, उन फसलों को भी आसानी से काट के बांधने का काम करेगा। साथ में इसके साथ और भी अरेंजमेंट आते हैं, जैसे कि मूवर आता है, स्प्रेयर आते हैं, ये सारी चीज़ें इस रीपर कम्बाइंडर में आती हैं। ये 3 पहिए वाला रीपर कम्बाइंडर है, अभी मार्केट में 4 पहिए वाला रीपर कम्बाइंडर आता है। दोनों का सेम है, दोनों का एक ही काम होता है, फसलों को काट कर बंडल के रूप में बनाना। अगर हम लोग इसकी बात करें आगे चलें तो इसमें जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है वो 4 लीटर का लगा हुआ है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा समय ये काम करें। इसकी जो फ्यूल की खपत है वो एक घंटे में एक लीटर डीजल की खपत है और 1 एकड़ एरिया कवर करता है। साथ में अगर हम लोग बात करें फील्ड कैपेसिटी की, तो अगर हेक्टर में करें तो 0.40 हेक्टर प्रति एकड़ या प्रति घंटा ये काम करता है। और अब देखते हैं इसके प्रमुख कंपोनेंट्स की जानकारी। तो ये रीपर कम्बाइंडर है और इसमें हम लोग यहाँ पर देखें, आइए ये वाला इंजन जो दिख रहा है, ये लगा हुआ है इंजन। इस इंजन के बाद इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर कॉइल रो का हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए, आपको जब रो लगानी है तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जहाँ एरो का मार्क है उस साइड आप इस रस्सी को लपेटना है ऐसे, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने के लिए इसका कंप्रेसर, बैक कंप्रेसर तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह इसको आप कंप्रेसर को, बैक कंप्रेसर को तोड़ सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके कंट्रोल सिस्टम हम लोग देखें तो यहाँ देखिए, ये हमारी ड्राइविंग सीट है। ड्राइविंग सीट पे पहिए को मूवमेंट कर सकते हैं, 2 पैडल लगे हुए हैं लेफ्ट और राइट करने के लिए। हैंडल है, हैंडल के साथ ये इसकी मेन क्लच है, ये इसकी मेन क्लच है। मेन क्लच से ही 2 जगह पावर जाती है, एक कटरवार यूनिट में जाती है, दूसरे पहियों में जाती है। तो ये आपकी इंगेज और ये आपकी डिसइंगेज। राइट हैंड पर आपका स्टॉपर लीवर है, आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो स्टॉपर हो जाएगी, मशीन रुक जाएगी स्टॉपर। ये एक्सीलेटर है हमारा, ये सबसे लो स्पीड, कम स्पीड आइडल, और ये मैक्सिमम स्पीड, ये देखिए ये मैक्सिमम। तो एक्सीलेटर हो गया ये हमारा, ये हमारा स्टॉपर हो गया, ये हमारा क्लच लीवर हो गया। आगे बात करें तो यहाँ पर ये देखिए सी लिखा हुआ है ना, ये आपका कटर बार चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए लीवर है, कटर बार लीवर। ये अभी ऑफ कंडीशन में है, यहाँ पर आप करोगे तो ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा। मैं आपको चलाकर बताऊंगा कटर बार। ये हमारा मेन सेलेक्टर लीवर है, इसमें चार फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स गियर है। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ ये यहाँ से, तो फर्स्ट नंबर, फिर जीरो, जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल, फिर रिवर्स है, फिर न्यूट्रल, फिर 2 नंबर, फिर न्यूट्रल, फिर 3 नंबर, फिर न्यूट्रल, और फिर ये 4 नंबर। ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर के सामने जो भी आपकी, जैसे 0 रहेगा तो ये न्यूट्रल कहलाएगा, और अगर इसको मैं थर्ड कर दूंगा तो ये 3रे नंबर गियर में फॉरवर्ड स्पीड में हो जाएगा। अब इसको टर्न करने के लिए ये टर्निंग क्लच या टर्निंग ब्रेक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम लोग टर्न कर सकते हैं। अगर राइट टर्न करना है तो आप इसको टर्निंग लीवर को राइट साइड टर्न करें तो ये टर्न हो जाएगा, एक ब्रेकिंग का काम भी करेगा। और अगर लेफ्ट को टर्न करेंगे तो लेफ्ट की साइड आपको करना है, और अगर ब्रेकिंग करनी है तो आप इसे लगाएं। जब आप इसे लेफ्ट या राइट कर रहे हैं तो पैरों का मूवमेंट भी करना जरूरी है। अगर आप लेफ्ट को करेंगे तो लेफ्ट वाला पहिया इस तरह डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर सके, और राइट को करना है तो राइट की कंडीशन में इस साइड आपको इसको टर्न करना। रात को चलाने के लिए यहाँ पर हेडलाइट भी दी हुई है, रात में हम लोग, रात्रि के समय हम लोग इसे चला सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले वाले हिस्से में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इस इंजन से 2 ड्राइव जाती है। पहली ड्राइव जाती है पहियों में, यहाँ से क्लच सिस्टम है, क्लच सिस्टम से पहियों में पावर जाएगी, चैन स्पॉकेट के द्वारा पहिए घूमेंगे, और दूसरी पावर वी बेल्ट के द्वारा, ये जो बेल्ट है, ये वी बेल्ट है, इस बेल्ट से जाती है इस वाली यूनिट में। ये कटरवार यूनिट कहलाती है, सारी की सारी कटरवार यूनिट है।
इस कटर वार यूनिट में हम लोग देखें तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये सारा का सारा कटर वार है। 4 फिट का कटर वार यहाँ पर दिया हुआ है। कटर वार में ये लगे हुए नाइफ ब्लेड, ये इसके नाइफ ब्लेड हैं, ये इसके नाइफ गार्ड हैं, नाइफ ब्लेड नाइफ गार्ड। और कैची की तरह काम करता है, ये स्टेशनरी रहते हैं, नाइफ गार्ड हमेशा स्टेशनरी रहेंगे और जो रोटेशन होते हैं रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट जो कर रही है वो हमारी ब्लेडें करती हैं। जब ब्लेड चलेगी, अभी ट्रांसपोर्ट कंडीशन में है तो ये ऊपर की तरफ है, जब नीचे करेंगे तो पूरा डाउन में आ जाएगा। क्रॉप को जब काटते हुए लेके आएगा तो ये कलेक्टिंग आर्म है, क्रॉप को कलेक्ट करती है, दोनों साइड से कलेक्ट करेगी और सेंटर में धकेलेगी। इसकी डिजाइन जो बनी हुई है सेंटर में बनी हुई है, तो यहाँ से ये जाता है, इस वाले हिस्से से यहाँ पर जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो यहाँ लगी हुई है नॉटिंग डिवाइस, ये कहलाती है नॉटिंग डिवाइस। इस नॉटिंग डिवाइस पूरी अभी देखेंगे कैसे काम करेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये नॉटिंग डिवाइस की सहायता से क्या होता है, पूले बनते हैं। साथ में साइड में हम लोग देखें तो ये एक स्टोकर है, स्टोक की सहायता से हम लोग देखेंगे कि हमारे पूले जो बन रहे हैं वो कितने बैठ के बन रहे हैं। तो इसमें 4 पोजीशन है, देखिए छोटे से छोटा बना सकते हैं हम लोग और बड़े से बड़ा गट्ठा जो रहता है उसे बना सकते हैं। इन गट्ठों को बांधने के लिए हम लोग रो का यूज़ करते हैं। रो को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम लोग आपके बंडल को स्टोर करते हैं, रस्सी के बंडल को हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं। ये दिख रहा है ना, ये रस्सी, रस्सी जो रहती है ये कॉस्टली महंगी पड़ती है। आप इसमें नाइलॉन की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं और जूट की रस्सी भी यूज़ करना है। हमेशा किसानों को जूट की रस्सी ही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि जूट की रस्सी अच्छी होती है, जो दुधारू पशु रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि जो क्रॉप रहेगी। अब हम लोग देखें आगे की तरफ, अब इसमें रस्सी कैसे डलती है, अभी हम रस्सी यहाँ पर डाल के बताएंगे, तो देखते हैं रस्सी कैसे डलती है। देखिए रस्सी डालने का तरीका, आपने बंडल में कंप्लीट किया, बंडल के ऊपर ये जो ढक्कन होता है इस ढक्कन के सेंटर से यहाँ पर लेके आए, सेंटर के बाद इसको यहाँ पर लगा इस तरह, और इसके ऊपर जो स्टॉपर है इसको, ये स्टॉपर ज़्यादा टाइट और लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज रहेगा, यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ से टाइट और लूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लूज और टाइट, अगर ये रस्सी अगर लूज निकलेगी तो आपका बंडल प्रॉपर नहीं बनेगा, और अगर ये रस्सी ज़्यादा टाइट निकलेगी तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ, चलो बंद करो रस्सी। हम लोगों ने देखो यहाँ से डाला, यहाँ से होता हुआ इसके पीछे से, यहाँ से होता हुआ इसके अगले वाले नॉब में से निकालते हुआ यहाँ पर ले आए। अब जब हमने ले आए रस्सी तो यहाँ लॉक हो गई, अब इसके बाद इसको रोटेट करा और इस तरह इसको स्टोक किया, ऐसे स्टोक करेंगे और इसको जब रोटेट करेंगे हम ऐसे, तो देखिए ये स्टोक पूरा हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ आइए पास आइए, यहाँ से निडल निकलेगी, इसको रोटेट करिए थोड़ा तेज से, थोड़ा दूर रहना भैया, इसको रोटेट यहाँ रुकिए, ये देखिए यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ देखिए यहाँ अंदर आई, चलाओ धीरे धीरे चलाओ चलाओ, ये देखो ये पीछे जा रही है और इस तरह ये नॉटिंग डिवाइस काम करेगी। सिर ये देखिए, जाने दीजिए, हाँ जाने दीजिए थोड़ा सा झटके से, हाँ ये देखिए ठीक है, और ये इस तरह करके हम लोग इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ये देखिए ये बन गई नॉटिंग। अब प्रॉब्लम ये होती है कि गठान नहीं बनती किसानों के साथ, तो आपको बताओ क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए एडजस्टिंग के लिए ये जो स्क्रू दिख रहा है ना, आपकी अगर नॉटिंग नहीं बन रही है खुल रही है तो आपको ये स्क्रू टाइट करना है, क्या करना है टाइट करना है, जितना आप इसे टाइट करेंगे उसकी आपकी नॉटिंग अच्छी बनेगी, और अगर ये नॉटिंग नहीं बनेगी मतलब गठान नहीं बन रही है तो ये लूज़ है, आपको विशेष ध्यान इतना ध्यान रखना है कि इसको टाइट कर देना है तो आपकी नॉटिंग बनती रहेगी। साथ में जो क्रॉप रहेगी उसका साइज कितना रखना है, तो वो ये स्टोक से हम लोग रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से छोटा बड़ा, एक बार मैं और बताता हूँ कि कैसे काम करता है। ठीक है, जब ये आगे की तरफ चलता है कंटिन्यू तो कलेक्टिंग आर्म चलेगी, साथ में ये निडिल भी चलेगी, निडिल से जब इसको हम रोटेट करेंगे ये देखिए, तो इसके इस वाली रस्सी पर क्रॉप का दबाव पड़ेगा, जितना दबाव पड़ेगा ये रस्सी पीछे की तरफ आएगी और वो दबाव इस स्टोक पर भी पड़ेगा, ये स्टोक है, जैसे ही स्टोक पर दबाव पड़ेगा एक करके कट की आवाज़ आएगी, ये वाली पूले यहाँ पर आएंगे और इसमें कट की आवाज़ आएगी, जब कट की आवाज़ आएगी तो ये रोटेट होना शुरू करेगी, और रोटेट होकर घुमाना जरूरी, यहाँ से रोटेट होकर ये नॉटिंग डिवाइस को गोल घुमाएगी और इस तरह इसको करके काट के और ये निकालेगी, ये देखिए ये नॉटिंग बन गई, इस तरह इसमें नॉटिंग बनती है। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और इसे कंट्रोल पैनल कैसे काम करते हैं वो देखते हैं।
तो हमने यहाँ पर रस्सी लगाई, रस्सी के बाद हमने आइए न्यूट्रल करा, ये देखिए ये लीवर को हमने न्यूट्रल करा, स्टार्ट करने से पहले लीवर को क्या करा, न्यूट्रल करा, एक्सीलेटर को दिया हमने यहाँ पर और इसको राउंड घुमाकर कंप्रेसर इसका ब्रेक, कंप्रेसर इसका हम लोगों ने तोड़ लिया ऐसे। एक बार और तोड़ता हूँ मैं, ये देखिए, और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। बात आइए, ये स्टॉप, ये देखिए ये एक्सीलेटर लीवर है, जमाने के बाद ये देखिए ये न्यूट्रल है, दो नंबर गियर लगा है तो ये आगे चलने लगा। मुझे टर्न करना है, मुझे लेफ्ट को टर्न करना है, तो लेफ्ट को टर्न करने के लिए टर्निंग लीवर को लेफ्ट की तरफ करा, ये देखिए, और पैडल को इस तरह घुमाया और क्लच को छोड़ा। और ये पीछे आना शुरू हो गया, उन्हें रोकना है, रोका, न्यूट्रल करा। अब मुझे कटर बार को चलाना है, देखो आगे तो कटर बार के लिए कटर वाला लीवर है, कटर वाला लीवर ये देखिए, ऑन करा आगे से जाए। स्टॉपर लीवर है, इसे जैसे ही बंद करूंगा इंजन हमारा बंद हो जाएगा। इसमें जो सबसे महंगी चीज़ पड़ती है वो हमारी रस्सी का बंडल पड़ता है, एक एकड़ में एक रस्सी का बंडल लग जाता है, तो कॉस्टली सबसे ज़्यादा आपका रस्सी का बंडल ही होगा। और बाकी मशीन अच्छी है छोटे किसानों के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।